वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने दूसरे बजट में टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाने के लिए 2500 करोड़ रुपए का ऐलान किया है। इस दौरान उन्होंने भारतीय धरोहर और संरक्षण संस्थानों को बनाने का ऐलान करते हुए कहा कि लोथल में मैरीटाइम म्यूजियम बनेगा। वहीं वित्त मंत्री ने टूरिज्म सेक्टर के लिए संस्कृति मंत्रालय को 3150 करोड़ रुपए की व्यवस्था का भी प्रस्ताव रखा है। उधर 5 पुरातात्विक जगहों पर म्यूजियम बनाने की भी घोषणा की है। दे आर राखीगढ़ी हरियाणा, हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश, शिव सागर असम, धोलावीरा गुजरात एंड आदित्य नल्लूर इन तमिलनाडु। उन्होंने रांची में आदिवासी म्यूजियम भी बनाने का ऐलान किया। निर्मला सीतारमण ने बताया पर्यटन में भारत 65वें से 34वें स्थान पर पहुंचा।